अभी जो देखना है वो है जेडीबीसी सर्वलेट, और जेडीबीसी सर्वलेट का मतलब सिंपल है यार, डेटाबेस के साथ काम करना है। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्वलेट बनाने का है, जहाँ पे हम लोग को यूज़र से डेटा लेने का, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री। तो ये तीन क्वेश्चंस को अगर सही से ये देखोगे ना, काम एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर होने वाला है। अभी इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसा करना है। पहला देखो यहाँ पे है ना, उसने क्या बोला कि एक्सेप्ट डिटेल फ्रॉम द यूज़र, दैट इज़ यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड कंट्री। तो ईमेल के लिए टेक्स्ट बॉक्स, इसको भी टेक्स्ट बॉक्स, इसको भी टेक्स्ट बॉक्स, और कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन दे देते हैं, ठीक है, क्या फ़र्क गिरता है। देन राइट अ सर्वलेट कोड टू स्टोर अ बायोडेटा डिटेल्स ऑफ यूज़र इन टू डेटा बेस, नेम, एज एंड आई कैन से हॉबीज, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन। अभी यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ हॉबीज़ का, ओके, तो हॉबीज़ मल्टीपल सिलेक्शन हो गया, ओके, क्वालिफिकेशन एक ही है तो लास्ट क्वालिफिकेशन हम ले सकते हैं। तो यार ये दो क्वेश्चन देखो करीब करीब सेम है, 1 2 3 4। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, यहाँ पे हॉबीज़ है, यहाँ पे भी हॉबीज़ है, यहाँ पे जेंडर है, क्वालिफिकेशन नहीं है। सो थिंक अबाउट इट कि इफ़ यू वांट टू वर्क विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो ये क्वेश्चंस करीब करीब सेम ही है, ओके। तो मैं ना एक बड़ा वाला एग्जांपल आपको क्रिएट करके बता देता हूँ, तो उसके अंदर से ही अपना काम हो जाएगा यूजुअली। देखो यहाँ पे नेम, एज, एड्रेस, हॉबी, जेंडर है, ओके, देन क्वालिफिकेशन भी है, ओके, तो ये सब लोग को मिलाकर अभी एक काम करते हैं, इसके अंदर और एक चीज़ भी डाल देते हैं, वो है कंट्री, ओके, ईमेल भी डाल देते हैं। तो ऐसा बड़ा सा अगर कुछ करने का रहेगा तो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। अभी लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। सो सबसे पहला चीज़ हम लोग को लगेगा एक डेटाबेस, तो वो है मेरा MySQL। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ MySQL को, मैं XAMPP यूज़ कर रहा हूँ, आप WAMP, XAMPP कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एंड अपाचे सर्वर चालू कर देते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर मेरा PHP MyAdmin होस्टेड है। Let's use Chrome. I can say localhost 81. Port number is 81. And then let's go to PHP MyAdmin. So we are not having any type of username and password here, okay? So authentication के हिसाब से मेरे को देखने को जाएंगे तो मेरे को password नहीं है, so I don't need a password to log in here, so that's, let us check it out afterwards. So we are going to create a new database. Tybsc, okay? Let's create it. Okay, and the name, what we are going to do, the name will be something else. So kya bolte isko, key registration. Reg user. Kitne columns chahiye? तो चलो यार, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री, हॉबीज़ भी इसी के अंदर डाल देते हैं, ओके, डेट ऑफ बर्थ भी इसके अंदर डाल देते हैं, ओके, सी आपको टेबल बनाना है और कुछ करना नहीं है, एंड जेंडर भी। तो चलो बनाते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, तो यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल 3 प्लस आपका कंट्री, देन आएगा आपका एड्रेस, देन आएगा आपका जेंडर, देन आएगा आपका क्वालिफिकेशन, देन आएगा आपका हॉबीज। 8 कॉलम भर देते हैं अभी, ये एक एग्जांपल में ये सारे क्वेश्चंस का पूरा हो जाएगा। सो एनीथिंग एल्स आई नीड ऑल्सो, एज, तो एज को डालने के लिए जैसा मैं बाकी सब कुछ डाल रहा हूँ वैसे एज भी डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं, ओके।
सो पहला है यूजर नेम, ओके दैट इज अ वेर कैर, मैं प्राइमरी की के साथ कुछ खेल नहीं रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये है मेरा पासवर्ड, ये वेर कैर है। देन मुझे क्या चाहिए था, ईमेल, वो भी वेर कैर है। लो उसका रेंज दे दो। देन आई हैव कंट्री, वेर कैर है। देन आई हैव एड्रेस, वेर कैर है। सो इसको कंट्री को 50 कर देते हैं और इसको 200 कर देते हैं। एंड देन लेट अस हैव जेंडर, वो भी क्या है, वेर कैर है। देन क्या चाहिए मुझको, क्वालिफिकेशन, वेर कैर। देन आई नीड एज, वेर कैर। देन आई नीड हॉबीज, ओके दैट इज ऑल्सो वेर कैर, इट इज 200, एज इज 10, एनफ, क्वालिफिकेशन इज 50, जेंडर इज मेल फीमेल, इट मैक्स मैक्स 10। सो हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स बट ऑल आर वेर कैर, ओके इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ डालने लायक है नहीं। डेट ऑफ बर्थ लेते तो हम लोग को डेट टाइम लेना पड़ता, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो एज लिया है तो वेर कैर में भी डाल सकते हो या फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ओके दैट इज डेट, ओके सो डेट टाइम भी हो सकता है, दैट्स नॉट एन इश्यू, ओके कुछ इश्यू नहीं होगा, ले लो। सो थिंग्स आर कंप्लीट, लेट्स सेव इट, व्हाट हैपेंड, ओके 50 बहुत है, मैक्सिमम 60 है उसके लिए, तो ले भाई 6। ओके सो स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर है। अभी इस हिसाब से हम लोग को क्वेरी बनाने का, इंसर्ट का। तो पहला मैं इंसर्ट का क्वेरी बनाने को सिखा देता हूँ आपको, ओके चलो इंसर्ट का क्वेरी लिखते हैं। अरे हाँ यार, एक सर्वलेट बनानी पड़ेगी। चलो सर्वलेट बनाते हैं, सर्वलेट को एक नाम देते हैं, बोलते कि इंसर्ट रजिस्ट्रेशन, ओके देन क्लिक ऑन फिनिश। एक्चुअली एक ही सर्वलेट से आप लोग बहुत कुछ काम करवा सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रहने दो। ओके क्लीन द कोड, ओके सो कैच ब्लॉक, वॉट एवर इट मे बी, प्रिंट हो जाएगा, नो इश्यू इज देयर। अब मैं आपको सबसे पहला इंसर्ट का क्वेरी बताता हूँ। इंसर्ट इन टू टेबल नेम क्या है, रेज यूजर, ओके वैल्यूज क्या है, सब वेर कैर है ना, ओके दैट्स इट। अगर वेर कैर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके सो इट इज वेर कैर कॉमा 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 वेर कैर वेर कैर कॉमा वेर कैर, सो इट इज हाउ मच, इट्स 6 7 8 9, सो इट्स कंप्लीट। सो द ऑल द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू टेक इट विल बी फ्रॉम द आई कैन से द पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या क्या रह गए, तो मेरे को अभी यहाँ पे बहुत फालतू काम करना पड़ने वाला है। तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, मेरा पहला यू नेम,
ओके तो इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ब्लैंक करता हूँ और बाद में सब कुछ काम करने को लेता हूँ. ओके स्ट्रिंग यूजर नेम है, बाद में पासवर्ड है, देन आता है मेरा ईमेल कंट्री, ओके देन आता है एड्रेस, ओके देन जेंडर, क्वालिफिकेशन, DOB, हॉबीज. सो दैट्स इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू फिल दिस डेटा इनसाइड इट. सो मैं इसको बता देता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, दैट इज नथिंग बट माई इंसर्ट क्वेरी. ओके और ये है मेरा इंसर्ट क्वेरी. अभी इसके अंदर डेटा भरना है, तो पहला तो इस स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट के अंदर आकर डबल कोट ओपन क्लोज कर देना, इसको कहते हैं ब्रेक द स्ट्रिंग. ये एक स्ट्रिंग अलग हो गया, इधर का स्ट्रिंग अलग हो गया, कॉनकैट कर. पहला किससे कॉनकैट करने का है, यूएन के साथ. यहाँ पे बीच में आओ, ब्रेक द स्ट्रिंग, कॉनकैट करो किसके साथ, पीए, कॉनकैट, देन यहाँ पे ईएम, कॉनकैट, देन यहाँ पे क्या आएगा, सीओ, देन करो कॉनकैट, देन यहाँ पे क्या आएगा, ADD, देन जेन क्वा DOB, जेन CO DOB. ओके दैट्स इट. सो अब यहाँ पे आएगा हॉबी. सो आवर इंसर्ट क्वेरी इज रेडी. ओके नाउ लेट्स ट्राई टू गेट द डेटा फ्रॉम द HTML फाइल. सो आई नीड एन HTML फाइल. सो लेट्स क्रिएट एन HTML फाइल हियर. HTML फाइल, राइट क्लिक न्यू HTML एंड देन हियर आई एम गोइंग टू राइट रजिस्ट्रेशन HTML, रजिस्टर यूजर ऐसा लिख देता हूँ. एंड देन यार मेरे को, आई नो इट वेरी वेल कि आपको भी फॉर्म बनाने में घंटा लाता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पैलेट, अब फॉर्म ले लो. ओके यहाँ पे एक्शन जाना कहाँ है, तो ऑलरेडी बनाया मैंने INSERREG. ओके गेट मेथड के थ्रू ही जाना है, दैट्स इट. देन यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम, अभी दिखने में गंदा दिखने वाला है बट फर्क नहीं गिरेगा. ओके यूज़र नेम है एंड दैट नेम इज़ यूज़र नेम. ओके दैट्स इट एंड इट्स टेक्स्ट, लेट्स यूज़ अ BR टैग नेक्स्ट लाइन के ऊपर आने के लिए. देन वापस आपको क्या चाहिए, पासवर्ड, वेरीफाई अ पासवर्ड, ये सब कुछ करने का है, तो स्क्रिप्टिंग विप्टिंग करना पड़ेगा. ओके तो यहाँ पे एक पासवर्ड फील्ड है, उसको बोलता हूँ पास. ओके इधर तक हो गया. अब दूसरा नेक्स्ट फील्ड क्या है, ईमेल कंट्री. ओके ईमेल, ओके तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ईमेल. अब कंट्री चाहिए ना, तो कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन लेते हैं, तो दैट विल बी मोर बेटर. ओके सो नेम इज CO NTRY कंट्री एंड देन आई हैव एन ऑप्शन इंडिया एंड यूके. चलो ठीक है ना, क्या फ़र्क गिरता है. ओके सो बाय डिफॉल्ट इतना दिखाई दे देगा.
देन लेट्स हैव अ बी आर टैग एंड देन अभी क्या चाहिए मुझको, एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस एंड आई नीड अ टेक्स्ट फील्ड, राइट? तो टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट फील्ड, मल्टी लाइन इनपुट, दैट इज़ नथिंग बट अ टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पे मैं रोज एंड कॉलम जैसा है वैसा बता दिया। अभी नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं, बी आर, देन आई नीड अ जेंडर, तो जेंडर के लिए रेडियो बटन चाहिए। ओके, सो ये लो रेडियो बटन एक, उसको ग्रुप दे दो जीवन और वैल्यू दे दो मेल, इसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टर रखते हैं। देन दूसरा देते हैं उसको जीवन, वैल्यू देते हैं फीमेल। ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पी आर, अभी यहाँ पे लिखते हैं मेल एंड यहाँ पे लिखता हूँ फीमेल, तो मेल फीमेल बाजू बाजू में दिखाई दे देंगे। देन आ गया अपना क्वालिफिकेशन, सो क्वालिफिकेशन को भी ड्रॉप डाउन में ही डालते हैं। सो लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, नेम इज क्वाली, यहाँ पे लिखता हूँ बीएससी। अब यहाँ पे मैंने उसका है ना वैल्यू नहीं लिखा, लिखना ज़रूरी है। आयन यूके, देन यहाँ पे वैल्यू बीएससी एमएससी डन। सो ये हो गया, अभी नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं। देन अभी क्या चाहिए, डीओबी। ओके, सो लेट्स हैव अ डेट ऑफ बर्थ। ओके, देर इज नो वैलिडेशन है, इनपुट टाइप ले लो डेट ऑफ बर्थ के लिए, इसको डीओबी लिख देता हूँ। एंड टाइप इज नॉट टेक्स्ट, एचटीएमएल फाइव के हिसाब से हम लोग इसको देते हैं डेट, डेट, दैट्स इट। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ हो गया। देन आ गया मेरा हॉबीज, अभी हॉबीज इज मल्टीपल सिलेक्शन मैन, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल सिलेक्शन वी हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट समवेयर, सो लेट्स ट्राई इट। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे मैं चेक बॉक्स लेता हूँ। ओके, वैल्यू कुछ और दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि हॉबीज क्या है, सिंगिंग। ओके, सो दैट्स इट, एंड अनदर चेक बॉक्स आई नीड इट, यहाँ पे बोलता हूँ सिंगिंग। देन द नेक्स्ट चेक बॉक्स इट विल बी स्विम, स्विमिंग, दैट्स इट, टू हॉबीज आर इनफ फिलहाल के लिए, तो मेरे को इतना ही चाहिए। देन लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट लाइन, ये डिज़ाइन करने को बहुत घंटा लाता है। सबमिट बटन चाहिए, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप मारो, उसको बोलो रजिस्टर एंड देन इट्स सबमिट बटन, क्लिक ऑन ओके, राइट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स व्यू इन द ब्राउजर, रन इट। ओके, दिख रहा है, एटलीस्ट वी आर एबल टू सी अ फॉर्म। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू सिलेक्ट अ डेटा एंड देन आई हैव टू पुश इट समवेयर एल्स। सो हियर आई एम राइटिंग यूजर नेम, सो यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, यहाँ पे लिखता हूँ ई मेल, पासवर्ड, देन यहाँ पे लिखता हूँ ई मेल एट द रेट समथिंग डॉट कॉम, देन यहाँ पे मेरा एड्रेस है। ओके, देन मेल, देन क्वालिफिकेशन बीएससी, देन यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुछ और, यहाँ पे देता हूँ मैं डेट,
यहाँ पे बोलता मैं सिंगिंग है एंड स्विमिंग बोथ इज माई हॉबीज एंड देन क्लिक ऑन रजिस्टर. ओके सो यू आर एबल टू सी देयर इज अ ह्यूज लेंथी कनेक्शन. आई कैन से अ क्वेरी स्ट्रिंग इज क्रिएटेड. ओके नाउ यूजिंग दिस क्वेरी स्ट्रिंग आई जस्ट हैव टू रिट्राइव अ डेटा ओके इन सर्वलेट बिकॉज इट इज गोइंग टू द सर्वलेट. ये सर्वलेट के पास जा रहा है लेकिन अभी इसका डेटा मेरे को उठाना है तो चलो चालू कर देते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ओके हियर द थिंग्स आर सिंपल. रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड द नेम ऑफ द पैरामीटर इज यूजर नेम. ओके देन द अनदर थिंग आई नीड अ पास. सो यार ले ईमेल भी ऐसा ही है. सी ओ मतलब क्या था एड्रेस. देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन देन डी ओ बी. सिर्फ हॉबीज में थोड़ा सा पंगा है जो मैं बता दूंगा क्या करना है क्योंकि वी आर गोइंग टू हैव अ मल्टीपल सिलेक्शन हियर. ओके सो मल्टीपल सिलेक्शन के हिसाब से अगर देखने को जाएंगे तो यार ये एक बार सही सही समझना ही पड़ेगा. सो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये पास इज द पैरामीटर एंड देन ईमेल इज द पैरामीटर. ओके देन आई नीड अ नेक्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड एज कंट्री दैट इज अ पैरामीटर. देन आई नीड एड्रेस. सो लेट्स हैव एन एड्रेस हियर. So then let's have a next thing which is pretty much simple which is called as it's called achievement. It is group right name. तो name के अंदर क्या आया वो जीवन के अंदर जो कुछ भी आएगा वो. Then you will be having a qualification. Okay so qualification is a drop down. So here is your qualification and then here is your DOB. Okay, so that's it. Then अब यहाँ पे अगर सिंगिंग रहेगा तो अगर नहीं रहेगा तो ऐसा मतलब आई हैव टू चेक कि नल रहेगा नहीं रहेगा तो मैं क्या डालना चाहता हूँ. तो अब यहाँ पे ये भरने से पहले ना मैं इसको थोड़ा सा काम कर देता हूँ. इफ माई रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर if my request dot get parameter that is called as sing. Okay where is it. Okay is equal to null rahega or equal to not null rahega. Not null rahega matlab ye value i rahegi. Okay aisa hi aur ek if condition yahan pe main kya kar deta hu ki yahan pe agar ye not null rahega to main iska value retrieve karunga aur hobby ke andar dalunga. तो हॉबी प्लस इज इक्वल्स टू वॉट एवर द वैल्यू ऑफ सिंग इज आई गेट इट एंड आई पुट इट इन साइड. सो दैट्स इट एंड देन लेट्स अगेन राइट हॉबी प्लस इज इक्वल टू देन यहाँ पे क्या आएगा स्विम. ओके सो इट इज़ वेरी मच सिंपल कि मैंने अभी हॉबीज भरा रहेगा अगर उसका नल वैल्यूज नहीं रहेगा तो. But the thing is that I also want a comma separated value. मतलब comma से separate करके रख देते हैं उसको ताकि बाद में retrieve करते problem ना आए. Usually तो नहीं आना चाहिए इसलिए और कुछ नहीं. And then अब मेरा hobbies भर के हो गया है. It is fulfilled. Okay. And then we can move ahead. तो hobbies blank भी हो सकता है अभी कोई issue नहीं है. So hobbies भर दिया अब ये insert query. अभी मैं इस insert query को print करके दिखाता हूँ आपको. स्क्रीन के ऊपर नहीं मैं लॉक के अंदर प्रिंट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे मैं इंसर्ट क्वेरी को प्रिंट कर देता हूँ. सो लेट्स गो बैक. आई हैव फिल्ड एवरीथिंग. लेट्स री एंटर द पासवर्ड वॉट एवर इट मे बी एंड देन लेट्स गो टू ग्लास फिश. लेट्स क्लियर द लॉग सबमिट. सी दिस इज द इंसर्ट क्वेरी विच इज बीन क्रिएटेड. देखा ओके अब ये इंसर्ट क्वेरी मुझे क्या करनी है
इंसर्ट करने, मतलब रन करनी है, अब आएगा मज़ा। अभी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है। अभी यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा एक फॉर्म से सर्वलेट तक तो लाया। अभी ये क्वेरी को मुझे रन करना है कहाँ पे, जाकर डेटाबेस में। अब क्या करना है, अब सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट काम रहेगा कि भाई मेरा जो कनेक्शन है दैट इज़ विथ माई एस क्यू एल। ओके, तो आई हैव टू गो टू योर लाइब्रेरीज एंड आई हैव टू ऐड अ लाइब्रेरी कॉल्ड एज माई एस क्यू एल। अबे ना, कनेक्शन स्ट्रिंग सब लोग को याद नहीं रहती, आई थिंक सो सब लोग का प्रॉब्लम है, तो कुछ फ़र्क नहीं करता। वी कैन क्रिएट अवर कनेक्शन स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग को विजार्ड मिलेगा, उसके अंदर से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ माई एस क्यू एल लिख देना, ये जे डी बी सी ड्राइवर आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। ओके, सो अभी सर्वलेट के अंदर हम लोग को यहाँ से अपना काम करने को चालू करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना काम करने को चालू कर देता हूँ। सबसे पहला तो ड्राइवर को मैं रन टाइम पे लोड करता हूँ, क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास का सी कैपिटल, ओके फॉर नेम। अभी क्या लेना है, तो मुझे सबसे पहला ड्राइवर उठाना है, तो ड्राइवर उठाने के लिए सबसे पहला मैं देखता हूँ ड्राइवर कहाँ पे है, तो वो है कॉम डॉट माई एस क्यू एल डॉट जे डी बी सी, उसके अंदर ड्राइवर नाम का क्लास है। ठीक है, ये ड्राइवर को मेरे को रन टाइम पे उठाना है। ओके, सो लेट्स गो, उसको बोलते हैं भाई रन टाइम में इसको लोड कर। ओके, देन अभी मुझे ये काम हो गया, अभी मुझको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एस क्यू एल कनेक्शन है, तो कनेक्शन नाम का एक जावा डॉट एस क्यू एल और जावा डॉट माई एस क्यू एल डॉट जे डी बी सी, लेकिन जावा डॉट एस क्यू एल का ले लेना। ओके, कनेक्शन जावा डॉट एस क्यू एल का इंटरफेस आप यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ तक हो गया, अभी इसको मैं एक नाम देता हूँ, कॉन इज इक्वल्स टू आई कैन से आई नीड समवन दैट इज कॉल्ड एज ड्राइवर मैनेजर। यस, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, नाउ ही इज़ आस्किंग मी फॉर समथिंग। सी, यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे यू आर एल है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है। ओके, तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ देयर एंड पासवर्ड कैन बी ब्लैंक ऑल्सो। ओके, सो पहला तो यू आर एल कैसा कनेक्ट करने का है, यूज़र नेम पासवर्ड कैसा देने का है, ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, यूजुअली तो आपका भी यूज़र नेम जो रहेगा वो रूट ही रहने वाला है। सो सर्विसेज में जाओ। ओके, शांत दिमाग से डेटाबेस के नोड को ओपन करो। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करना, न्यू कनेक्शन करना, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना माई एस क्यू एल, आराम से देखना घाई नहीं है। देन यहाँ पे लोकल होस्ट और डेटाबेस का नाम अपन ने क्या दिया था उसको, TYBSCIT। ओके, देन पासवर्ड इज ब्लैंक, लेट्स टेस्ट द कनेक्शन। ओके, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद में जो पैरामीटर दिया है वो छोड़ के इसको उठा लो। देखो, कनेक्शन स्ट्रिंग बन के आ गया तुम्हारे पास, JDBC:\MySQL:\Local:3306TYBSCIT इज द डेटाबेस। ओके, दैट्स इट, फिनिश। ओके, सो द फर्स्ट यू आर नीड अ कनेक्शन स्ट्रिंग दैट इज दिस, आई नीड अ यूजर नेम दैट इज रूट एंड अ पासवर्ड इज ब्लैंक। ओके, सो दैट इज नो पासवर्ड वी आर पासिंग इट टू इट, श्योर। सो अभी अगर यूजर नेम पासवर्ड मैंने दे दिया है इसको, अब मेरा नेक्स्ट काम आएगा, मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी स्टेटमेंट की जो इसको एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट जावा डॉट एस क्यू एल से ही लेना, ST इज इक्वल टू कॉन को बोलता हूँ, कॉन डॉट क्रिएट द स्टेटमेंट, कॉन इज अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो बोलता हूँ क्रिएट स्टेटमेंट। अभी क्रिएट स्टेटमेंट से मेरा स्टेटमेंट इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मैं स्टेटमेंट के अंदर बोलता हूँ कि एग्जीक्यूट क्वेरी, सो एग्जीक्यूट अपडेट है, ये सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ फर्स्ट
अभी एग्जीक्यूट क्वेरी जो रहता है ना वो रिटर्न करता है रिजल्ट सेट, मतलब रिटर्न करने का रहेगा तो हम लोग ये यूज़ करेंगे. ओके देन एग्जीक्यूट नाम का चीज़ रिटर्न क्या करता है, बूलियन. अभी देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट रिटर्न क्या करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा. ओके सो वी हैव नो प्रॉब्लम. एग्जीक्यूट अपडेट बोल दोगे ना तो इट विल वर्क फॉर इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑल. तो एग्जीक्यूट अपडेट बोल दिया और बोल दिया भाई मेरे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग है, सॉरी कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं क्वेरी है, INS इसको रन कर दे. ओके तो ये अपना काम चालू कर देगा. देन मेरा क्वेरी रन होने के बाद मेरे को जब भी सब कुछ हो जाएगा तभी मैं क्या बोलूँगा, सब हो गया है अब कनेक्शन को बंद कर दो. तो स्टेटमेंट को भी आप लोग क्लोज कर सकता है. ओके पहला एंड देन कनेक्शन को भी क्या कर दो, क्लोज कर दो. सी ये जो मैं कोड लिख रहा है ये एकदम सिंपल वे में लिख रहा हूँ. एक्चुअली हम लोग को ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक ये बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बट ये सिंपल वे में मैंने लिख कर रख दिया है. व्हेन द थिंग्स आर कंप्लीटेड, ओके इफ आई डोंट हैव एनी एरर सो आई विल से डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली. तो यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट डेटा इंसर्टेड, ओके दैट्स इट. एंड इफ आई हैव अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम आई राइट आउट, ओके आई डोंट हैव एनी आउट यहाँ पे है नहीं क्या, ओके नॉट एन इशू. आउट डॉट प्रिंट एरर एंड वॉट एवर एरर इट मे बी लेट अस प्रिंट इट. दैट एरर इज कॉल्ड एज एक्स डॉट आई कैन से गेट मैसेज, दैट्स इट. सो ये हम लोग ने मेजॉरिटी काम कंप्लीट कर लिया इंसर्ट क्वेरी इंसर्ट क्वेरी बनाने का एंड योर वर्क इज फिनिश्ड. लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्क. So my name is Sadesh, password is something something, email address, then the address which I want is, this is the address, MSC and then date of birth, then I have only singing hobby and let's click on the register. So data inserted. So if I go to your table and if I click it, that's it. देख लो तुम्हारा डेटा यहाँ पे फिल होकर आ गया. ओके बट यहाँ पे देख रहे हो ना क्या आया, नल. ओके ये उसने क्या बोल दिया, नल, बिकॉज ऐसा कुछ चीज उसके पास पास हुआ ही नहीं. सही यहाँ पे सिंग आया था लेकिन वो कौन सा नहीं आया था, और कौन सा था, स्विम, वो नहीं आया. तो उसके वजह से यहाँ पे नल वैल्यू गया चला गया. तो अभी एक काम कर लेते हैं, यार ये नल वैल्यू क्यों गया, ओके सो ये नॉट नल होना नहीं चाहिए क्योंकि अरे डियर यहाँ पे सिंग नहीं आएगा, स्विम आएगा ना, गलती कर दिए. ठीक है सेव हो गया ना. चलो अभी वापस करते हैं, लेट्स राइट अ पासवर्ड न्यू पासवर्ड एनी क्लिक ऑन दिस. अभी तो सिर्फ स्विमिंग ही आना चाहिए तो चलो जाकर देखते हैं. यस परफेक्ट. ओके सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अ वन मेजर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज जीडीबीसी सर्वलेट. ये तीनों एग्जांपल इसी के हिसाब से, इसी हिसाब से करने हैं. सो यू नीड नॉट हैव टू वरी, ये अगर कर लोगे तो बाकी सारा चीज़ें आराम से ही हो जाएगा. ओके याद रखना कि जब भी इंटीजर वैल्यू पास करना हो ना, अगर एज है तो एज के लिए नंबर जाता है ना, तो जब नंबर जाने वाला है तो सिर्फ यहाँ पे है ना वैर कर के यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा था, सिंगल कोट लिखा था. ओके इसको निकाल देना तो ये हो जाएगा न्यूमेरिक. लेकिन है ना MySQL है यार, MySQL संभाल लेता है. मतलब अगर मैंने स्ट्रिंग में न्यूमेरिक वैल्यू दे दी ना तो फिर भी वो न्यूमेरिक के तौर पे ही लेता है. इट वर्क्स इन MySQL. हाँ ओके MySQL के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सो दैट्स इट. सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू सी द लॉग्स.
ये लॉग्स देखने की आदत रखना, क्योंकि जब डेवलपर बन जाओगे तो इसी के ऊपर आपका काम चलेगा। ओके,